कि भाई कथा में आने से कौए कोयल हो जाए। हाँ ठीक से समझना, कौओं का शरीर नहीं बदल जाता, स्वभाव बदल जाता, गुण बदल जाता। अब कोयल इतनी प्यारी लगती है और कौए इतने खराब लगते हैं, क्यों? कौवा किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती, केवल मीठे बोल सुनाकर जग को बस में कर लेती। कोयल की अच्छाई क्या है? बोले बोलती बहुत अच्छी, बड़ा मीठा बोलती। कोयल बोलती हो ना तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर और बोलती रहे। कितना प्यारा कुहू बोलती है वो। और कौए सिर पर बोलने लग जाए तो लगता है पत्थर मारकर भगाओ, इतना कड़वा बोलते हैं, बहुत कठोर बोल, बड़े कड़कश बोलते हैं। ऐसे लोग समाज में जो कौए की भांति जब भी बोलते हैं जहर ही बोलते हैं, ऐसे लोग भी यदि भागवत जी का आश्रय करने लग जाएं, तो मैं भरोसे के साथ कहता हूं ऐसे लोग भी कोयल की तरह मीठा बोलना बोलना शुरू कर देते हैं। ये कथा का प्रभाव है। और बगुला जो है वो पाखंड का प्रतीक है, जो दिखावा बहुत करते हैं, पाखंड बहुत करते हैं। समाज में आजकल भक्ति के नाम पर पाखंड बहुत चलता है, बहुत पाखंड, इतने पाखंडी लोग भक्ति के मार्ग पर आ गए हैं ना। ओह वैसे कभी हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन घर में मेहमान आ जाए ना तो इतनी तेज तेज चिल्लाकर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं ना, ताकि मेहमान को सुनाई पड़े कि भगत है। क्या पाखंड चल रहा है, क्या ढोंग चल रहा है। हाँ